हेलो डियर, एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, ये रेशियो प्रोपोर्शन का 7वां वीडियो है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट पर चले जाइए। प्ले लिस्ट पर जाइएगा तो मैथ 0 to 0 लेवल का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट में जितना वीडियो डाला गया है रेशियो का टोटल वहाँ आपको मिल जाएगी। और वहां से आप क्या कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो ऐसे देखते आइए और तब 7वां वीडियो आप देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और नहीं तो आप अगर कभी रेशियो पढ़े हैं तो थोड़ा चलिए क्वेश्चन से मुलाकात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेकर आए हैं 7वां वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर है 48। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समान आकार के 4 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है जिसमें स्प्रिट की सांद्रता 60% है और 70% है, 75% है, 80% है। 4 प्रकार के लिए है, ठीक है, 4 प्रकार के बर्तन है। यदि सभी 4 मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण का स्प्रिट और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर चारों को मिला देने पर तब बताइए कि स्प्रिट कितना हो जाएगा और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन देता है, और एक चीज आप ध्यान रखिए, कोई भी अपने आप में व्यक्ति हो, वस्तु हो, कितना होता है? 100% होता है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है कि स्प्रिट की संदर्भता दिया हुआ है तो पानी का भी होगा, क्योंकि दोनों खोला गया है, स्प्रिट और पानी दोनों मिला के 100% होना चाहिए, जिसमें आपका स्प्रिट जो दिया हुआ है वो 60 है, ठीक है। वाटर कितना होगा? तो वाटर 40 होगा। दूसरा बर्तन में जो है कि 70% स्प्रिट है तो 30% क्या होगा? पानी होगा। अगला देखिए, तीसरा बर्तन में 75% स्प्रिट है तो 25% पानी होगा। चौथा बर्तन में 80% स्प्रिट है तो 20% क्या होगा? पानी होगा। हम बताए थे पिछला वीडियो, कल के वीडियो में देखिएगा, तो पहले देखते हैं कि रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ 60, 40, 100, सब 100 का रेशियो है, ये तो इक्वल है। जब इक्वल का मामला रहता है तो सभी क्या करते हैं कि जोड़ते हैं। जब जोड़िएगा आप तो जोड़ने पर देखिए 0, 0, 5 है तो 5 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 6, 7, 13, 13, 7, 20, 20 वाट कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए वाटर का रेशियो जोड़ लेते हैं तो देखिए 5 इधर हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखिए अगर रेशियो का मतलब होता है छोटा करना, वैल्यू कटेगा तो इसको काटेंगे, तो देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ, 5 से तो कट रहा है तो 5 से करेंगे तो 5 6 25 बच जाएगा 3 यानी 35, 5 7 हो जाएगा 35, 5 2 9 हो जाएगा 10 और 5 3 15। तो देखिएगा 57.23 जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ बने रहिए। एसएससी का, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब एग्जाम में आपको काम आने वाली है। क्योंकि इसको नाम ही हम रखे हैं 0 to 0 लेवल, यानी कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश किया गया है। चलिए तो देर ना करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि रस के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और रस का अनुपात जो दिया हुआ है 4:3 है, मतलब कि पानी 4 और रस कितना है? 3 है। दूसरे मिश्रण में 3:2 है, दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है और तैयार मिश्रण में पानी और रस का अनुपात याद कीजिए। देखिए क्या है, पानी है और क्या है? रस है। थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं। क्या है? पानी है और क्या है? रस। देखिए फर्स्ट मिश्रण में क्या है तो पानी जो है 4 है और रस कितना है? 3 है। सेकेंड मिश्रण में 3 है पानी और 2 क्या है? रस। पहले इसको क्या करते हैं, हम बताए हैं कि बराबर करने की कोशिश करते हैं। जब बराबर कीजिएगा तो 4 और 3 7, ये कितना हो जाएगा? 7 और ये कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। 7 और 5 किस पर बराबर होता है? तो 7 और 5 को हम ले लेते हैं एलसीएम, यानी 7 × 5 = 35, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो उल्टा गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? 5 से इसमें गुना करेंगे और 7 से इसमें गुना करेंगे। तो कर दीजिए, उल्टा करना है। इसमें आप 5 से गुना कर देंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे? 7 से करेंगे। लेकिन फिर कह रहा है कि दोनों मिश्रण को क्रमशः कितना अनुपात में? 1 और 2 में, यानी 1 से यहाँ गुना कीजिए और 2 में आप यहाँ से गुना कीजिए।
जैसे आप गुना कीजिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 7 दुना हो जाएगा 14, यानी 5 से गुना करना है 4 में, 5 से गुना 4 में करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके हो जाएगा 20, प्लस पानी का रेशियो नीचे वाला हम देखेंगे तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर आप देखिएगा इसमें तो 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 14 दुना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। जैसे आप ऐड कीजिएगा तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 6 62 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 62 और 43 जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना में है तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो जल रेस्क्यू मिश्रण स्क्वेश मिश्रण, पहला जल से स्क्वेश जो है वो कितना दिया, 5:1 है के साथ और दूसरा 3:1 के अनुपात है, तो 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया है, तो मिश्रण के अंतिम जल और स्क्वेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार कोई भी अगर जल के साथ कोई भी मिश्रण दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वाटर और स्क्वेश कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले में है 5:1 है, फिर कितना है 3:1 है, तो देखेंगे जोड़ कर देखेंगे इसको तो कितना आ रहा है 5:1 6, और यहाँ कितना आ रहा है 4। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जा रहा है 12 आ जा रहा है, 4 के 12, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, 6 दुना 12, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, और जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तो इसको अनुपात 3:2 में मिलाया हुआ है, ठीक है। यानी इसमें 9 से गुना करना है और इसमें कितना से गुना करना है 4 से करना है। तो कीजिएगा तो हो जाएगा 9 + 5 हो जाएगा 45 और 4 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको आप ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा 7 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। कितना दिया हुआ है फिर से एक बार हम देख लेते हैं, 5 और 1 का है, 3 और 1 का है, 3 और 2 का है, ठीक है। 5 और 1 हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। देखिए उल्टा यहाँ लिख दिए, देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, थोड़ा सा गलती किए हैं, ध्यान दीजिए ये कितना है जी, ध्यान दीजिए 5 और 1 कितना है 6 है, 3 और 1 कितना है 4 है, तो 6 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, 6 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 6 × 12 यानी इसमें हमको 2 से गुना करना है और 4 + 3 = 12 यानी इसमें हमको 3 से गुना करना है, इस वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कितना का मिश्रण दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 और कितना का दिया हुआ है 2 का, जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, यानी 6 से गुना करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस चाहिएगा तो इस रेशियो को आप काट भी सकते हैं, यानी 1 1 1 से आप कीजिएगा तो हो जाएगा 5 और 1 से गुना 3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, और इसका रेशियो दिखिएगा तो 1 और 1 यहाँ हो जाएगा, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 + 2 और इसको छोटा कीजिएगा तो काटिएगा तो 4 × 4 4 × 8 4 × 4 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 2 × 2 और 4 × कितना हो जाएगा 8, यानी रेशियो देखिएगा तो 4:1 का जो कि कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर कितना है डी है। चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि मिश्र धातु ए में 2 धातु एक्स और वाई, वहां कोई नाम दे देता था जल नमक स्पिरिट जल दे देता था, यहाँ एक्स और वाई मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई का दिया हुआ है और 5:1 कितना है 2 है। दूसरा प्रकार का मिश्र धातु कितना है 3:4 है, 3:4 है। पहले हम बोले थे आपको कि दोनों को हमको इक्वल करना है, तो इक्वल तो है 5 और 2 = 7 4 और 3 = 7 इक्वल है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, फिर जो दिया हो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 और 5 दिया हुआ है तो 4 और 5 से हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो 5 + 20 हो जाएगा और 5 + 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो ये 35 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है कि छोटा से छोटा वैल्यू करना, जब इसको काटिए तो देखिए 7 से 5 बार में कट जाएगा
और 7 से इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 5:4 आ गया, यानी कि x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 4। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि x कितना प्रतिशत है, तो x देखिए x है 5 और टोटल वैल्यू देखेंगे कि 5 और 4 कितना है 9, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, जब 5 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा और 9 से भाग दे देना है, तो 9 × 5 = 45, फिर बच गया 50, 9 × 5 = 45, फिर बच गया 5 और नीचे 9, 55 5/9 प्रतिशत, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए मॉडरेट कर दिया है, कह रहा है कि एक्स और वाई दो मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर है, ठीक है, जिंक और कॉपर से बना हुआ है, जिंक का देखिए जो रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए जिंक और कॉपर से बना हुआ है और कितना है आपका 6 और 9 है, 6 और 9 है, फिर कह रहा है कि 7 और 11 है, 7 और 11 है, कह रहा है कि x का 40% y का 60, 40 और 60 का रेशियो निकालिएगा तो 20 × 40 = 60, यानी कि 2:3 में आपको दिया हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो बराबर कीजिएगा तो देखिएगा तो 9 और 6 = 15,000 है और 11 और 7 = 18,000 है, कितना पर होगा इक्वल जी, तो 90 पर होगा, तो 15 से भागा देंगे तो 6 बार में, यानी इसमें 6 से गुना करेंगे और 18 से भागा देंगे 90 में तो 5, और जो रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 से करना है आपको, तो 12 से कीजिएगा तो 12 × 6 हो जाएगा 72, नहीं तो यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, जो रेशियो कट रहा है काट के हम छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4 से गुना करना है, 4 से करेंगे तो 24 हो जाएगा और इसमें 5 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है, इसको जब आप रेशियो निकालिएगा तो 9 × 4 हो जाएगा 36 और 11 × 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 4 = 9 हो जाएगा और 2 और 3 हो जाएगा 5 = 59, और इसको जोड़िएगा तो 6 और 5 हो जाएगा 11 और 5 और 3 = 8 = 9, 59 और 91 का रेशियो दिया हुआ होगा, तो देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर कितना है डी, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर से हम इसको हो सकता है रिपीट भी कर देंगे कल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है और 3:1 है और 9:7 है, सभी मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया गया है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए 5 और 3 का दिया हुआ है, 3 और 1 का दिया हुआ है, 9 और 7 का दिया हुआ है, देखिए जब आपस में इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड कीजिएगा तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 3 और 1 हो जाएगा 4, 9 और 7 हो जाएगा 16, एलसीएम लीजिएगा तो कहां सब 16 पर इक्वल हो जाएगा, तो 8 × 16 यानी इसमें 2 से गुना करना है, 4 × 16 यानी इसमें 4 से गुना करना है और 16 से भाग दीजिएगा या 1 से गुना करना है, अब कितना लीटर है, इसमें ये 2 लीटर है, ये कितना है 3 है और ये कितना है 1 है, यानी फाइनल हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें 4 से करना है, इसमें 12 से करना है, इसमें 1 से करना है, 4 से कीजिए तो हो जाएगा 20, फिर देखेंगे कि 12 से 36 हो जाएगा, फिर देखेंगे 1 × 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर आप रेशियो देखिए, इसको आप इरेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 से 1 में कीजिएगा तो हो जाएगा 12, फिर आपको 1 से 7 में करना है तो हो जाएगा 7, ठीक है, आप सभी को जोड़िएगा तो 9 और 6 = 15 के हो जाएगा 5, बच गया 1, 3 और 1 = 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको आप देखिए तो 12 × 12 = 24, 24 और 7 देखिएगा तो हो जाएगा 31, 65:31 जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, तो वही आपको दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा, यानी दूध का 65 हो जाएगा और पानी का कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 बर्तन 7 लीटर दूध से भरा हुआ है और 12 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया जाता है और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाला गया, यानी ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन कर रहा है कि 60 लीटर हमारे पास दूध था, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि इसके स्थान पर क्या कर रहे हैं कि 60 लीटर, ध्यान दीजिएगा 60 लीटर दूध था हमारे पास, 12 लीटर पानी का कर दिए कि उसमें दूध निकाल लिए 12 लीटर और पानी मिला दिए 12 लीटर, मिलाएंगे तो जितना मिश्रण था उतना ही मिश्रण हो गया। इसको कितना बार किया जा रहा है, दो बार किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि दूध जो है कि 60 लीटर था लेकिन 12 लीटर दूध निकाल दे रहे हैं। 12 लीटर दूध हम निकालेंगे तो 60 में से 12 निकल गया, तब दूध की मात्रा कितना बच गया, दूध की मात्रा बच जाएगा आपका 48। कितना बच जाएगा, 48। अब पता चल गया कि इसे देखेंगे तो काटिए, इसको रेशियो कीजिए, तो देखिए कैसे कट रहा है, 12 से 5 बार में कटेगा, 12 से 4 बार में कटेगा, यानी रेशियो पता चल गया कि 5 से कितना बार है, 4। तो देखिए देखेंगे मिश्रण 5 है और दूध की मात्रा 4 रह जा रहा है, और कई बार कह रहा है कि देखिए एक बार तो किया था और फिर वही काम किया है, मतलब कि दो बार किया है, तो जितना बार करेगा उस रेशियो को उतना ही बार हमको रिपीट करना है। तो 5 से 4 दो बार हम रिपीट करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 16 जो है कि दूध है और ये जो आया है ये 25 आया है, ये मिश्रण आया है, का चीज आया है, मिश्रण आया है, ये मिश्रण मेरा हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दूध के तो पता चल गया कि 16 है लेकिन पानी का निकलना होगा तो हमको इसको घटाना होगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, तो पता चल गया कि दूध जो है वो 16 है और पानी कितना है, 9 है, तो इसका कितना हो गया, मिल्क और वाटर का रेशियो जो हो गया वो 16:9 कितना हो गया, 9 हो गया, 16:9 जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। देखिए जितना बार बोलेगा पहले रेशियो निकाल लेंगे इसके बाद काम करेंगे। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 28 लीटर दूध से भरा है और 7 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, मतलब कि 28 लीटर था उसमें से 7 लीटर हम दूध निकाल रहे हैं और दूध निकालने के बाद 7 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, तो मिश्रण 28 लीटर ही हो जा रहा है, और ऐसा किस कितना बार किया जा रहा है कि दो बार और किया जाता है, मतलब एक बार पहले किए थे और दो बार और किया जा रहा है, मतलब कि तीन बार ऐसा किया जा रहा है, तो तीन बार ऐसा किया जा रहा है, तो इसके लिए पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 था, 28 में से 7 निकाल देंगे तो 28 में से 7 निकालेंगे तो 21 बचेगा, और 7 से वैल्यू कट रहा है तो 7 से 4 बार में और 7 से 3 बार में, यानी कि रेशियो 4 से 3 तीन बार, क्यों, क्योंकि तीन बार दोहरा रहा है, रेशियो निकालिए तो 4 × 4 × 4 यानी 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64, और यहाँ 3 का क्यूब मतलब 27, मतलब दूध और पानी ही है, तो यहाँ देखिए मिल्क का है, ये मिश्रण का है, ये किसका है, मिश्रण का रेशियो है। अब देखिए 27 लीटर दूध है तो पानी हम निकाल लेंगे, घटाते हैं तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और बच गया यहाँ 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी 37 लीटर पानी हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, दूध, तो दूध है 27 और पानी है 37, यानी कि 27:37 है। कभी कभी उल्टा ही पूछता है तो आप यहां से देख सकते हैं, रेशियो अपने अकॉर्डिंग बैठा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 27 और 37, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा है और 8 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है, मतलब एक बार किया था और पुनः दोहराया, मतलब कई बार हो गया, दो बार, पहले देखिए कितना बार ये प्रक्रिया हो रहा है, एक बार, दो बार, चार बार, जितना हो उतना बार हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे 80 और 80 जितना है उतना में से हम घटा देंगे, 80 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 72। अब देखिए 8 से 10 बार में और 8 से 9 बार में, तो रेशियो कितना हो रहा है, 10 और 9 का हो रहा है, दो बार है तो दो बार लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का कीजिएगा तो स्क्वायर 100 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, मतलब 81 मिल्क है और वाटर का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा जी, 29 नहीं 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, ध्यान दीजिए जब दूध की मात्रा मिलाना है तो दूध के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए दूध यहाँ देखिए मिल्क हमको मिल गया, मिल्क कितना है, 81 है। अब देखेंगे हम कि टोटल कितना था, तो 80 लीटर, टोटल 80 लीटर था, लेकिन देखेंगे कि इसमें
कितना है टोटल मिश्रण, तो 100 है, तो टोटल मिश्रण 100 है और हम क्या करेंगे 100 से हम भाग दे देंगे 80, क्योंकि इसमें टोटल मिश्रण 100 आया लेकिन इसमें दूध कितना है 81, तो जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा 81 है तो हम यहाँ लिख देंगे 81। एक मिनट सुनिए, फिर से ध्यान दीजिएगा, 80 लीटर दिया हुआ है तो 80 लीटर लिख देंगे 80 और टोटल मिश्रण कितना आया है 100 और जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 81 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको दूध की मात्रा निकलना है, अगर पानी की मात्रा निकलना रहता तो हम कितना 100 में से 81 घटा लेते बच जाता 19, तो 19 ले हम मल्टीप्लाई करते। अब इसको देखिएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, काटिएगा 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 हटाए 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, नीचे 10 मतलब दशमलव के दायां साइड हो जाएगा, एक डिजिट के दशमलव हो जाएगा दायां साइड से, तो यानी कि 64 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 64.8 यानी ऑप्शन नंबर कितना है डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन दूध से भरा है, ठीक है, और 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी में बदल दिया जाता है, ठीक है, फिर वही प्रक्रिया कर रहा है कि दूध से भरा हुआ है 15 लीटर दूध निकाल रहा है, 15 लीटर उसकी जगह पर पानी भर दे रहा है। अब कह रहा है कि इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार किया था एक बार और कर रहा है, मतलब कि दो बार कर रहा है, कितना बार कर रहा है 2 बार, और ऐसा करने से दूध और पानी का रेशियो 16 और कितना है 9 है, तो ध्यान दीजिएगा 16 और 9 है, तो हो जाएगा दूध और पानी का है, ध्यान दीजिए दूध और पानी का है। टोटल अगर देखेंगे कि अगर मिश्रण का हम वैल्यू निकालते हैं कि टोटल मिश्रण कितना था, तो जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 मिश्रण होता, मिश्रण कितना होता 25 होता, जब दो बार दिया हुआ रहेगा तो मिश्रण और दूध हम कर लेंगे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है पीछे वाला से, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मिश्रण मेरा हो जाएगा 25, मिश्रण कितना हो जाएगा जी 25 और दूध कितना हो जाएगा, तो दूध दिया हुआ है 16, दो बार रहेगा तो रूट कर दीजिएगा, 3 बार रहेगा तो क्यूब कीजिएगा, 4 बार रहेगा तो 4th रूट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 25 का होता है 5 और 16 कितना होता है 4, यानी कि देखेंगे कि कितना एक बार कितना निकल रहा है, मिश्रण 5 लीटर था दूध 4 लीटर हो जा रहा है, यानी 4 के अनुपात में हो जा रहा है, मतलब कितना निकल रहा है 1, लेकिन 1 नहीं निकाल रहे हैं हम, 1 के बदले 15 लीटर निकाल रहे हैं, तो हमको पूछ रहा है कि दूध कितना था, तो पहले मिश्रण तो नहीं था, ओरिजिनल में पहले था दूध, तो दूध का रेशियो 5 यानी 5 × 15 करेंगे तो 15×25 कितना हो जाएगा 75, यानी 75 लीटर प्रारंभिक में कितना था दूध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही लिए हुए हैं, देखिए समझ में आपको 100% आ जाएगा। अगला है कह रहा है कि एक बर्तन से भरा है दूध से भरा है और कह रहा है कि 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, मतलब कितना बार काम किया जा रहा है जी 4 बार किया जा रहा है, पहले तो आपको ये करना होगा, और दूध और पानी का दिया हुआ है, तो दूध और पानी का दिया हुआ है आपको, तो दूध पता है और पानी पता है, पहले लिख लीजिए दूध जो आपका है वो 16 है और पानी जो है आपका वो कितना है 63 है, जोड़िएगा तो 81 आ जाएगा, 81 का आ जाएगा मिश्रण, तो 81 लिखेंगे और दूध कितना है 16, 4 बार है तो 4th रूट कर दीजिए, देखिए इसको तोड़िएगा तो तोड़ने पर देखिए किसका 4th रूट, किसका पावर 4 करते हैं तो 81 आएगा, तो 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 3 अनुपात 2 में देखिए कितना 3 से 2 मतलब 1 हो रहा है, 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, हमसे पूछा कि टोटल कितना था, तो प्रारंभिक में इसके लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 लीटर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद जय भारत।